दोस्तों आज 7 अप्रैल है और आज पूरा वर्ल्ड जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहा है। हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आज इस पेंडेमिक सिचुएशन में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और 2020 किसकी थीम क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे व अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों हम तमाम लोग जानते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपा रखा है, मैक्सिमम कंट्रीज हो लॉकडाउन के अंदर जा चुकी हैं। बहुत सारे लोगों की डेथ भी इसके कारण हुई है और बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी इस कोरोना वायरस की वजह से पाए गए हैं। दोस्तों आज हमारे देश के अंदर की बात करें तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर मामले जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों ऐसी कंडीशन के अंदर आज 7 अप्रैल है और 7 अप्रैल को हम हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर हेल्थ डे को मनाना उसकी अपनी इंपॉर्टेंस हो जाती है। आज हमारा मेडिकल स्टाफ है, जो हमारी नर्सिस हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारा पूरा मेडिकल स्टाफ है, आज जिस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालते हुए वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ये जो एक बहुत सराहनीय काम है। आज उनको सल्यूट करने का दिन है जिस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालते हुए वो आज काम कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि 7 अप्रैल को ही क्यों वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। जब ये WHO बना था, इसके संविधान के ऊपर 61 कंट्रीज ने अपने सिग्नेचर किए थे। दोस्तों WHO एक यूनिट के तौर पे काम करता है UNO की। पहली बार जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था वो मनाया गया था 7 अप्रैल 1950 को। उसके बाद ये हर साल मनाया जाता है और हर साल WHO एक नई थीम के साथ इसको मनाता है। जो 2020 के लिए इसकी थीम है वो है सपोर्ट नर्सिस एंड मिडवाइफ्स। दोस्तों हम ये तमाम लोग जानते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमारे देश के अंदर भी कैसी सिचुएशन बनी है। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर हमारे वर्ल्ड के या हमारे देश के जितना हमारा मेडिकल स्टाफ है वो किस तरह से, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सिस हैं या अदर कोई स्टाफ है, वो किस तरह से इस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आया है, अपनी जान को जोखिम में डालकर इस महामारी से लड़ रहा है। दोस्तों जो मैक्सिमम खतरा है इस वायरस को होने का उन्हीं मेडिकल स्टाफ को है, क्योंकि उन पेशेंट के बीच में रहकर उनका इलाज करते हैं। दोस्तों आज ये समय है उनको सल्यूट करने का। WHO की मदद से हमने अपनी कंट्री के अंदर पोलियो को खत्म किया है। HIV/AIDS या कैंसर ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए हम WHO के साथ आए हैं। दोस्तों आज ये समय है हमें अपने मेडिकल स्टाफ को सलाम करने का, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं या कोई भी मेडिकल स्टाफ है, हमारे पुलिस जवान को सलाम करने का जो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों हम उनको सलाम सिर्फ एक काम करके कर सकते हैं, वो काम है खुद को सुरक्षित रख के। हमें घरों के अंदर रहना है, जो सरकारी निर्देश हैं उनका पालन करना है, हमें अपने परिवार को बचाना है, अपने समाज को जो है वो बचाना है इस वायरस की वजह से। दोस्तों हमारे समाज के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी फेक न्यूज भी इसके कारण आ रही हैं, उनसे खुद को बचाना है। पहले वो न्यूज हम पढ़ें, उसके बारे में सर्च करें, फिर तब जाके जो है वो उसको सच माने। ऐसे किसी भी न्यूज को सच ना माने जो फेक न्यूज है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।